नमस्कार, कुक विद सिलेंडर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है मूली के पत्ते, यानी मूली के पत्ते काट लिए हैं, ये साथ में रखे मूली। अब मूली को काटते हैं। आज हम बनाएंगे मूली की भुजिया। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि मूली की भुजिया, मूली की रेसिपी कैसे बनाते हैं। ज़बरदस्त और स्वादिष्ट और जायकेदार बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं मूली काटने के लिए। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने सारी मूली काट ली है। अब तक दोस्तों, अब सब्जी की इसकी धुलाई करते हैं अच्छे से, पत्ते को और मूली को अलग अलग धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं पानी से बढ़िया से। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने मूली और मूली के पत्ते धुल लिए हैं। अब इसको उबालते हैं फटाफट। हेलो दोस्तों, अब इसमें ऐड करते हैं मूली। ये देखिए दोस्तों, हमारा इधर पतीला में पानी गर्म हो रहा है। साथ में ऐड करेंगे मूली के पत्ते। देखिए दोस्तों, इसको उबालने के लिए इसको अच्छे से उबाल लेंगे। चलो दोस्तों, इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे ढक के उबालेंगे। हेलो दोस्तों, वो बर्तन हमारा छोटा था, इसलिए हमने बड़ी कढ़ाई में लिया है, जिससे हमारा जल्दी उबल जाए। इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसकी गैस फ्लेम हमने बढ़ा दी है। इसको ढक के पका देंगे अच्छे से। अब 10 मिनट तक इसको उबालेंगे अच्छे से। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये हमारी जो भुजिया थी उबल चुकी है। अब इसको हम पानी से बाहर निकालते हैं और इसका पानी निचोड़ेंगे सारा। उसके बाद हम इसके तड़का मारते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये हमारी जो भुजी थी पानी से उबाल ली है, इसको हम निचोड़ते हैं पानी अच्छे से। इसका सारा पानी हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, आप भी घर पे जब भुजी बनाए तो इसको पानी से अच्छे से निचोड़ना है। मूली और मूली के पत्ते थे ये। हेलो दोस्तों, ये सारी हमने भुजिया निचोड़ ली है, पानी से निकाल लिया है। अब दोस्तों, अब लगाते हैं हम तड़का। तो इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, और इसे प्याज को अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट। हेलो दोस्तों, अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, ये जो कूट रखा था पहले, और थोड़ी सी ऐड करते हैं अदरक। इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्ची साथ में। हरी मिर्च हमें थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि हमें चटपटा तीखा और बनाना है मज़ेदार। इसको सिर्फ 2 मिनट पकाना हमको है, ज़्यादा नहीं पकाना है। हमने गैस को लो कर लिया है फ्लेम को। उसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा। दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिला लिए मसाले को। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो ये भुजिया जो नचोड़ रखी थी, उसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी भुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी आपको लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी सब्जी रुपये रेडी हो चुकी है, घर पर आप भी इस विधि से बनाएं, भुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। दोस्तों, सभी को धन्यवाद। देखिए दोस्तों,
गेट रेडी, तैयार हो गई हमारी भुजिया। सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।